हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अपने घरों में बहुत ठीक होंगे। एक्चुअली मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि मुझे एक चैनल की आपको बताना था कि एक चैनल और मैंने स्टार्ट करा है। अगर आपको किसी छोटी लड़की का डांस वीडियो या फनी क्लिप देखनी हो एंड आपको उसे एंजॉय करना हो, एंड सीरियसली आप उसे एंजॉय ही करोगे क्योंकि इतने छोटे बच्चे चुलबुले अच्छे लगते हैं सभी को। तो मेरी एक छोटी सी बहन है एंड वो हरियाणा में रहती है, एंड वो बहुत ही ज़्यादा चुलबुली है, बहुत ही ज़्यादा शैतान है। तो उसकी वीडियो देखिए एंड एंजॉय करिए, एंड मैं उसकी भी वीडियो अपडेट करता रहूँगा चैनल पे। तो चैनल का नाम है हरियाणा की छुटकी। यस, हरियाणा की छुटकी, ठीक है। चैनल का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, एंड आप डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके चैनल पे जाके उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। सो दैट्स इट गाइस। एंड मैं रेगुलरली एक्सरसाइजेस कर रहा हूँ घर में, एंड आप भी परफॉर्म करिए एक्सरसाइज। गाइस बाल देखिए, देख रहे हो इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन मैंने सोचा हुआ है कि मैं बाल थोड़े से बढ़ाऊंगा, मुझे बड़े करने हैं बाल। मैं देखना चाहता हूँ मेरा लुक कैसा लगता है, कैसा आता है बाल बढ़ाने में, बड़े करने में। बहुत ज़्यादा बाल, देखो देखो, थोड़े और बड़े हो गए ना, चुटिया बन जाएगी। बाय द वे, चुटिया तो अभी भी बन जाएगी, पीछे से देखो देखो कहाँ तक आ रहे, देखो। तो बाल बढ़ाऊंगा, मुझे एक थोड़ा चेंज करना है लुक थोड़ा, तो देखते हैं कैसे लगता हूँ। ऐसे हो रखी है कि मतलब ना बीच की मांग अपने आप निकल रही है, देखो ये देखो, बीच की मांग अपने आप निकल रही है। एनीवे ये तो अपनी घर की खेती है। तो आप सभी वीडियो देखिए एंड एंजॉय करिए, एंड डू रेगुलर एक्सरसाइजेस एट योर होम, एंड ज़्यादा टफ वर्कआउट मत करना स्टार्टिंग में अगर आपने अभी तक नहीं करी है। वैसे आई नो अच्छे से कि कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है एक्सरसाइज। सबको रिजल्ट्स अच्छे लगते हैं एंड में देखने, लेकिन एक्सरसाइज कोई परफॉर्म नहीं करेगा, वो मुझे अच्छे से पता है। स्पेशली लड़कियां एक्सरसाइज नहीं करती, मुझे अच्छे से पता है। सो एनीवे यार, करनी चाहिए। देखो आजकल तो लड़कियां भी इतना अपने ऊपर ध्यान देती है, अपनी बॉडी पे ध्यान देती है, अपना जिम ज्वाइन करती है और प्रोटीन्स वगैरह भी लेती है, वे प्रोटीन्स एंड बहुत सारी चीज़ें लेती है, प्री वर्कआउट मील्स वगैरह, मतलब सब कुछ। आजकल लड़कियां भी इतनी ध्यान दे रही है अपने शरीर पे। अब वो ब्रेकअप करने के बाद उन पे मतलब वो जादू आया है कि अब अपने आप में कुछ करना है, आई डोंट नो, बट हाँ लड़कियां करती है एंड करना चाहिए, क्योंकि आज करोगे ना तो 30-40 साल बाद जाके जब आपकी एज होगी ना, 30-40 साल के आप हो जाओगे, तो आपकी बॉडी में वो इफ़ेक्ट आपको दिखेगा, ठीक है। तो जैसे कि आजकल की इंडियंस मॉम्स, आजकल का यही है ना, जोड़ों में दर्द, यहाँ दर्द वहाँ दर्द, तो वो चीज़ें नहीं होगी, आप इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाओगे। और अगर आप रेगुलरली करते रहोगे, शादी के बाद भी करते रहोगे, तो लॉन्ग टाइम तक आपके साथ कोई ऐसा पेन फालतू का नहीं होगा। सो डू रेगुलर एक्सरसाइजेस, क्योंकि हम मतलब हमारा शरीर ऐसा है, जितना इसको चलाएंगे ना ये उस हिसाब से ढल जाता है, ठीक है। तो देखिए, और थोड़ा सा फनी क्लिपिंग के लिए वो चैनल तैयार करा है उसे देखिए, एंड मैं वीडियो बनाऊंगा। एक्चुअली मेरा बाहर जाना नहीं हो रहा है, तो मैं जिस दिन भी मेरा मौका लगा और मैं बाहर गया, तो मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगा और वो बहुत ही इनसेन होने वाली है, क्योंकि मैंने जो सोच रखा है अपने माइंड में वो आज तक किसी यूट्यूबर ने अपने चैनल पे अपलोड ही नहीं करा। रिएक्शंस वीडियो बहुत सारी शूट करी है, लेकिन जो मैं रिएक्शन वीडियो आपको दिखाना चाह रहा हूँ वैसी कोई वीडियो शूट नहीं करी आज तक। क्योंकि मैंने इनफैक्ट पहले बना सोचने से पहले भी, और जब मैंने सोच लिया तो उसके बाद भी मैंने सर्च करा यूट्यूब पे कि किसी ने ऐसी वीडियो डाली है या नहीं डाली, तो मैंने जहाँ तक मैंने सर्च करा मुझे कोई भी वीडियो ऐसी नहीं मिली। मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, और बहुत ही अच्छी होने वाली है, बहुत मज़ा आने वाला है।
बाहर जाना नहीं हो रहा, और अच्छी क्वालिटी के साथ दिखाऊंगा, कोई भी वीडियो ऐसी ब्लर नहीं होगी, मतलब के फ़ोन कैमरे से यूज़ हो वो, मतलब शूट हो, तो अच्छी क्वालिटी में आपको दिखाऊंगा और बहुत मज़ा आएगा, ठीक है, बट जब बाहर जाऊंगा तब, ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर गाइस।